गाइस ये है यहाँ का गदोलिया चौक। गदोलिया चौक जो है वो यहाँ का सबसे मतलब सेंटर पॉइंट हम कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चलती रहती है और यहाँ से आपको मंदिर जाने का रास्ता मिलेगा और रेलवे स्टेशन का रास्ता भी आपको यहीं से मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो होटल है वो यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पर है, कुछ कदम की दूरी पर ही है। तो यहाँ से आपको आने का बेनिफिट ये रहता है ना, यहाँ से सब चीज़ आपको पास पड़ेगी। अभी जब हम जिस होटल में खाना खाया वो भी इधर से जाके ही था। तो चलिए हम अपने होटल की तरफ वापस चलते हैं। ये हमारा होटल है रुद्राक्ष विला। यहाँ से सामने ही ये चौक है। तो इस होटल में आने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ से सब चीज़ आपको पास पास पड़ेंगी, बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में भी और रेलवे स्टेशन भी आपको थोड़ी सी दूरी पर ही मिल जाता है यहाँ से, और बाकी सब चीज़ें इससे बिल्कुल पास ही मिलेंगी आपको। और साथ में यहाँ पर आप अगर आप घाट पर नहीं जा रहे तो यहाँ पर आप लाइव आरती भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सामने खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए होटल के अंदर चलते हैं। होटल का रेस्टोरेंट एरिया है, एक बार रेस्टोरेंट भी आपको दिखा देते हैं। ये है आपका स्लाइड टू ऊपर, ये सीटिंग एरिया है यहाँ का, ये यहाँ का सीटिंग एरिया है। और चलिए ऊपर चलते हैं, चलिए अब होटल में एंट्री करते हैं। होटल रुद्राक्ष, ये आगे रिसेप्शन है। तो चलिए गाइस होटल का रूम टूर देते हैं आपको, आइए। ये हमारा रूम, ये हमारा रूम है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हमें लगी वो एक तो यहाँ का जो स्टेशन से पास ही पड़ता है, दूसरा मैं आपको और भी बता दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका जो एड्रेस है। पहले आपको रूम के बारे में बता दूँ, यहाँ पर हम चार लोग हैं तो चार लोगों के लिए हमने डबल बेड लिया है और एक बेड इनका अलग से है, ये वाला रूम लिया है। तो सफाई भी ठीक ठाक है रूम में। आपको लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और जो वुड का वर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ के सोफे, सॉरी जो गद्दा है ना वो ठीक है। और जगह हम गए दो तीन हमने ट्राई किए, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा हमारा। कल हम रुके भी थे एक होटल में, वो तो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था मैं बताना नहीं चाहता आपको। तो ये फिर भी ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पता है क्या है कि एक तो ये बिल्कुल पास में पड़ेगा आपको मेट्रो स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में पड़ेगा। और आइए वॉशरूम भी दिखाता हूँ आपको। वॉशरूम में शावर वगैरह भी है और स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। अगर सर्दियों में हम आए हैं जैसे तो गीजर भी है। तो यहाँ सुना है गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो एसी भी आपके लिए फर्स्ट क्लास है। और साथ में एक छोटा सा आपको फ्रिज भी मिलेगा, ये देखिए, जिसमें अपने ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप रख सकते हैं, ये भी अच्छा है यहाँ पर। और साथ में मिरर छोटा है पर ठीक है, अपने हिसाब से हमने क्या था क्या करना है। एसी के साथ साथ आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये मिलती है कि लिफ्ट भी आपको मिल रही है। हमारा जो ये रूम है वो फोर्थ फ्लोर पे है, तो आपको लिफ्ट भी दिखाता हूँ, एक बार आइए। ये लिफ्ट है, लिफ्ट आपको मिल जाती है और इतने कम बजट में आपको लिफ्ट भी मिल रही है और इतनी साफ सफाई, तो और क्या चाहिए। तो अगर आपको ये होटल अच्छा लगे तो आप यहाँ आ सकते हैं, नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिफ्ट है देखिए, ठीक है, इसमें लिफ्ट में तीन से चार लोग आप एक बार में आराम से आ सकते हैं। रुक जाओ यार, अभी कहाँ जा रहे हो, तीन से चार लोग आ सकते हैं और काफ़ी ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। अगर आप बजट में एक अच्छा होटल लेना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और ऊपर वर्क भी देख लीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ है इस वक्त हमारे होटल के मैनेजर मिस्टर यश, और आप सर एक बार होटल के बारे में बताइए। यह सर हमारा होटल वाराणसी गदोलिया चौक पे ही है और हमारा होटल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे है। हमारे होटल से घाट और मंदिर से वॉकिंग 5 मिनट की दूरी पे है।
हाँ, जैसा मैंने बताया ना कि जो गदौलिया जो चौक है ये यहाँ का मेन एंट्रेंस, मतलब एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। इधर से सब चीज़ आपको पास ही पड़ेंगी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घाट हो, सब कुछ पास ही पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पर आना चाहे जी, तो जैसा कि हमने एक दो होटल में यहाँ पर पहले एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर हम सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं तो ज़्यादा ट्रेन जो होती है वो 8 बजे 9 बजे तक उतार देते हैं यहाँ पर जी। अब उसके बाद हम गए होटल में तो उन्होंने बोला कि आप अगर 9 बजे आप आए हो तो आपको चेकआउट भी 9 बजे करना पड़ेगा। नहीं तो सर, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ 12 बजे का चेकिंग टाइम है और 12 बजे चेकआउट टाइम है। अगर आप आ जाते हैं 8-9 बजे तो अगर हमारे पास रूम अवेलेबल रहेगा तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने चेकआउट का टाइम सही बताया। तो हमें तो ये लगा था कि यार हम आए हैं दिल्ली से और यहाँ तो ये सीन ही उल्टा है, क्योंकि हर जगह ये होता है 11 बजे 12 बजे का चेकिंग चेकआउट होता है, तो वो दूर के होटल से है तो आपको ये भी दिक्कत है, और ये तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और बताइए कि ये अगर टूरिस्ट यहाँ पर पहले बुक कराना चाहे तो वो किस तरह से बुक करा सकता है, आपकी कोई ऑनलाइन साइट वगैरह पर भी है? जी सर, हमारा MMT पे और गो पे है, गो आई पर भी है जी, तो वहाँ से बुक कर सकते हैं, वहाँ से बुक कर सकते हैं। और ये हमारे होटल का कार्ड है, इस पर भी आप डायरेक्ट कनेक्ट करके बुक कर सकते हैं। जो आपको MMT या गो पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करना पड़ेगा वो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो इसमें कम अमाउंट में हो जाएगा। हाँ, तो मतलब जैसे उनकी अपनी कमीशन भी होती है अगर वहाँ से बुक करते हैं तो। हाँ, तो जो कमीशन वहाँ पे आपको पे करना है वो कमीशन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार कैमरा में, ताकि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नंबर और जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपका जी, तो उससे भी अगर टूरिस्ट आके बुक कराना चाहे तो करा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हमने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा कराया हम लोगों का, कि उनको ज़्यादा भटकना ना पड़े, क्योंकि हमारे साथ एक पहला एक्सपीरियंस यहाँ जब हम आए तो वो अच्छा नहीं रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बाहर जब आते हैं तो होटल अगर अच्छा नहीं मिले ना तो फिर पूरा मतलब टूर ही खराब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर जो आपके प्लान्स रहते हैं कि जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं या ऊपर नीचे? नहीं, हमेशा सेम नहीं रहते हैं, वीकेंड के ऊपर है, कभी रेट कम भी हो जाता है, कभी रेट ज़्यादा भी हो जाता है, जैसे अवेलेबिलिटी के ऊपर है या सीजन के ऊपर है। हाँ, अभी भी सीजन चल रहा है तो रेट थोड़ा डाउन है, अभी थोड़ा डाउन है। हाँ, तो हमें तो थोड़ा अच्छे डिस्काउंट्स मिल गए हैं, तो आप भी होप सो जब आप आए तो आपको भी अच्छे डिस्काउंट मिल जाए। तो बाकी अगर आप आए तो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर वर्किंग है दोनों? हाँ, दोनों नंबर। हाँ, तो मैं नंबर और यहाँ का होटल का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। और एक चीज़ और अच्छी इस होटल की ना, एक तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी साथ में है, अगर आप लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहो रूम में भी तो वो भी अवेलेबल है, रूम में अवेलेबल। हाँ, तो हमने भी सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो यहीं किया था और लंच वगैरह हम अभी बाहर करके आए हैं। तो बाकी चीज़ अच्छी है, बहुत से लोग होते हैं कि लंच बाहर प्रेफर नहीं करते कि सुबह उठे हैं, सुबह उठ के बाहर जाना पड़ता है, बहुत से होटल में ऐसा होता है। सुबह हम जिसमें 2 दिन पहले गए थे ना, तो वहाँ यही सीन था, उनके पास किचन नहीं था तो वो दिक्कत रहती है। तो चलिए, अच्छा रहा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस, और अगर आपको ये होटल पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या जय महाकाल जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब अपने होटल का रूम टूर भी आपको दे देते हैं, ठीक है जी, आइए। ये वेटिंग एरिया है यहाँ का, और स्टेयर्स भी हैं और साथ में लिफ्ट भी है, और इतने कम प्राइस में आपको लिफ्ट मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या चाहिए। सर, मेरा नाम प्रणव है और हम होटल विलास विला गोदोरिया वाराणसी में एज ए मैनेजर हूँ। सर, ये देखिए, ये हमारा 4 बेडरूम है, जैसा कि आप देख सकते हैं ओवरऑल विंडो सीरीज पे हमारा ये रूम है। यहाँ से नंदी चौराहे का पूरा व्यू मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको 100 मीटर वॉकेबल डिस्टेंस पे मंदिर और घाट दोनों ही मिलता है। 1 किलोमीटर पे काल भैरव मंदिर हमारा है, ओवरऑल सारा ही साइड सीन हमारा 2.5 किलोमीटर पे होता है। इस रूम की फैसिलिटी आपको मैं बता दूँ, इस रूम में AC गीजर और फ्रीजर सारे कुछ लगे हुए हैं, रूम में वाईफाई लगा हुआ है, हर फ्लोर पे अलग अलग वाईफाई फैसिलिटी हमारे यहाँ मिलती है, और हमारे यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है, फ्रिज की फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाती है। फ्रिज की फैसिलिटी मिल जाती है, AC लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है। अगर आप ज्यादा लोग आ रहे हैं तो इनके पास हर तरह का रूम अवेलेबल है, कहने का मतलब ये है कि आप, और वॉशरूम भी आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका। वॉशरूम में एक चीज अच्छी है इनके ना, स्पेस अच्छे हैं यहाँ के वॉशरूम के, जैसा कि मैंने देखा और जो होटल्स थे उनमें स्पेस नहीं रहता है, तो यहाँ पर बाकी सारी सुविधाएं तो आपको मिली जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब चीजें अवेलेबल है, वाईफाई से लेके AC और आपका फ्रिज, कौन देता है आज के इतने कम प्राइस के अंदर आपको फ्रिज मिल रहा है, तो वो सब भी है। और बाकी आइए, दूसरा रूम देखते हैं। आइए सर, मैं आपको यहाँ का बेस्ट रूम दिखाता हूँ, ये हमारे बेस्ट रूम है। इसका इंटीरियर आप देख रहे हैं कितना है प्यारा रूम, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है यार, बड़ा प्यारा लग रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने रूमों और बाथरूमों में नीट एंड क्लीन हमेशा ही ओवरऑल रखते हैं।
और सबसे एक चीज अच्छी है ना इनके रूम की, यहाँ की सफाई बहुत अच्छी है यार। मैंने बहुत जगह देखा है कि होटल में ना होते तो अच्छे है लेकिन उसको मेंटेनेंस अच्छे से नहीं रखते, क्योंकि देखो 200-400 रुपए मैटर नहीं करते ना दोस्त की, अगर आपको जगह अच्छी मिल जाए तो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि 200-400 बचाने के चक्कर में आप ऐसी जगह चले जाए जहां पर आपको साफ सफाई बिल्कुल ना मिले। तो आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर आप कपल में भी या फिर फ्रेंड्स के साथ भी आ रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी होती है कि आप सोए तो सुकून से। तो मैं कह सकता हूँ 3-स्टार वाली फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी और वो भी बजट के अंदर। तो काफी अच्छा इंटीरियर है यहाँ का। और ये रूम, इस रूम का चार्ज आपका अप्रोक्स कितना रहता है वैसे? इस रूम का चार्ज अप्रोक्सिमेटली 2400 रुपए से स्टार्ट होता है और 2800 रुपए तक जाता है। ये सीजन पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है चलो, जैसा कि सर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे हर फ्लोर पे सीसीटीवी लगे हुए हैं और वाईफाई। ये देखिए सीसीटीवी लगे हुए हैं और लिफ्ट भी लगे हुए हैं, वाईफाई सीसीटीवी भी आपका यहाँ पे हर उसमें लगा हुआ है फ्लोर पे, तो अच्छी चीज है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सर, यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा हमेशा मिलता रहता है। कभी भी आपको और नाइट भी स्टेशन पे जाना होगा तो हमारे यहाँ पे ऑटो रिक्शा हमारे गेट से ही मिल जाएगा आपको। चलिए ये भी अच्छी बात है, तो चलिए आइए चलते हैं। तो और क्या चाहिए यार, 2500 में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, एसी वाईफाई फ्रिज और लिफ्ट भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना ये सब चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे मिल रही हैं दोस्त। सर मैं आपको बता दूं हमारे नीचे रेस्टोरेंट भी है और आपके रूम में हम लोग सर्विस करवा देते हैं, किचन हमारे पास है। तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल जैसा घर का खाना होता है हम लोग घर का खाने जैसा स्वाद आपको मिलेगा। तो आइए सर, आपका बनारस में स्वागत है, हमारे होटल रुद्राक्ष में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, नमस्ते।